तो दोस्तों आज हम सीखेंगे 4×6 की सीट पे 12 फोटो कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप चलिए फोटोशॉप आ जाइए। अब आपको फाइल सेलेक्ट करनी है यहाँ से ओपन, यहाँ से जैसे मैंने ये ले लिया, ये फ़ोटो ले लिया मैंने यहाँ को लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो हमें आना है, हमें आ जाइए ये मैजिक टूल पर आ जाइए और ये सेलेक्ट कीजिए। देखिए कहीं कहीं छूट रहा है तो इसे शिफ्ट दबा लीजिए और क्लिक करते रहिए। ये देखिए शिफ्ट दबा के मैंने क्लिक किया तो ये सब बिल्कुल सही हो गया। अब हमें यहाँ जाना है, अब आना है यहाँ देखो पेंट पर। अभी पेंट पर ये डाल दिया, देखो यहाँ से कलर सेलेक्ट होता है कौन सा करना है आपको। नीला, ये देखे नीला डाल दिया कलर। अब यहाँ वापस आ जाते हैं, यहाँ पर टिक कर दीजिए वापस, ये हो गया कलर चेंज हो गया। अब हमें इसे करना है थोड़ा गोरा करना है सफ़ेद, तो कंट्रोल एम दबा सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ आ जाइए इमेज, ये एडजस्टमेंट, यहाँ आ गया कब्स, ये यहाँ से देखिए ये बढ़ा दीजिए, ये देखो ये गोरा हो गया, ओके कर दीजिए। अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमें इसे सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल ए से, ये पूरा सेलेक्ट हो गया कंट्रोल ए, हमें इस पर लगाना बॉर्डर। अभी यहाँ पर आ गए सेलेक्ट, सेलेक्ट पे ये है मॉडिफाई, ये रहा बॉर्डर, तो ये 3 दे रखा है, ये जितना आप ज़्यादा करेंगे इतने बड़ा बॉर्डर आएगा, तो 3 ही रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। अब ये बॉर्डर का कलर है ब्लैक, ब्लैक रहने दो। अब दबाना डिलीट का बटन, डिलीट, ये देखिए लग गया। अब कंट्रोल डी दबा दीजिए तो सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए फोटो बन चुका। अब हमें इसका साइज़ देखना, साइज़ कितना होता है निकालने के लिए पासपोर्ट, तो यहाँ पर आ गए साइज़, साइज़ पे यहाँ करना हमें 3-4-6 और एंटर कर दीजिए, ये साइज़ हो गया। अब हमें फीट लिखानी 4×6 की, जिस पर हमें प्रिंट करना है, तो फाइल पर आ जाइए या आगे न्यू पर आ जाइए, यहाँ से हमें साइज़ करना है, देखिए ये लीगल लेटर, ये सारे 4 साइज, तो यहाँ से 4×6 का सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। ये सीट आ गई, अभी से हमें उठा के रखना है, यहाँ से हमें उठा लिया, यहाँ रख दीजिए, देखिए ये आ गया फोटो। अब हमें जैसे 12 बनाने, तो हमें करना क्या, हमें दबाना है कंट्रोल और आल्ट, तो दबाएंगे और खींचेंगे तो ये देखो टेढ़ा मेरा भाग जाएगा ये, तो हमें शिफ्ट और दबानी है, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल सीधा लाइन में आएगा ये, तो छोड़ देना, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दबा के क्लिक करना है नीचे, ये देखिए फोटो आ जाएगा ऐसे ही कंट्रोल आल्ट शिफ्ट से, ये देखिए, और ये एरो से आप इन्हें इधर उधर कर सकते हैं, ये देखिए, तो आप इन्हें ठीक कर लीजिए। ये आज 4 फोटो आ गए, और फिर कंट्रोल आल्ट शिफ्ट दबाने के बाद इधर पकड़ के इधर को लाइए, ये आ गया ऐसे ही, हमें सारे फोटो बनाने हैं, ये देखिए इसे सेलेक्ट कीजिए और ये कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, ये देखिए, ये देखिए आपके ये 12 फोटो तैयार हो गए, और ये आप ठीक कर लीजिए ऊपर नीचे जो भी कैसा करना है, मतलब बिल्कुल थोड़ी जगह छोड़ दीजिए काटने के लिए, जो ऊपर नीचे है उसे कर लीजिए, ये देखिए मैं इसे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ काटने के लिए फ़ोटो, ये हो गया सही, और थोड़ी साइडों में भी जगह रहनी चाहिए। अब ये तैयार हो गया फ़ोटो, अब आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कंट्रोल और प्लस का बटन दबा के, ये देखिए ये सही है बढ़िया, और कंट्रोल माइनस का बटन दबा के आप ये छोटा कर सकते हैं। अब आप दोस्तों करना है आप प्रिंट करना है, कंट्रोल पी दबा दिया, ये आ गया देखो। अब यहाँ से हमें प्रिंट करना है, ये प्रिंट पर टिक किया, यहाँ से ये प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए आपका प्रिंटर जो भी है, और यहाँ से ये साइज़ आएगा प्रॉपर्टी में, ये डॉक्यूमेंट साइज है, यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करना हमें 4×6, ये है 4×6 इंच, और यहाँ से ये प्लेन पेपर जो आपका पेपर है, और ये क्वालिटी ये हाई रहने दीजिए इससे,
और ये ओके कर दीजिए और यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। तो दोस्तों आप आसानी से फ़ोटो बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और देखने के लिए धन्यवाद।